जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं ऐसा करते हो। उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी सर, मैं अभी स्टूडेंट था उस वक्त, हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। हम लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ पीछे ढको। महात्मा गांधी जी संविधान निर्माता, बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ पीछे ढको। और किसकी मूर्ति? जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी सर, मैं अभी स्टूडेंट था उस वक्त, हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। एक सेकंड, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, एक सेकंड प्लीज बैठिए, प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेता जी सर सुनिए, देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू, नो प्लीज नो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो, एलओपी नंबर एक, लीडर ऑफ द अपोजिशन, अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, यील्डेड टू सी व्हाट द चेयरमैन हैज टू से एंड हिज मेंबर्स आर अप ऑन द सीट। कहां जा रहे? प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, मैंने शक्ति सिंह, I may have to name you. Your senior leaders are present here. LOP in his wisdom has yielded as to what the chairman has said. You don't allow chairman to say? What kind of anarchy you are engaged in? Honorable members, I had the privilege, I had the distinguished honor at the invitation, listen to it, at the invitation of the Speaker Lok Sabha to inaugurate Prerna Sthal. I was there, I saw the location, I saw the situation. I would urge the honorable members, before making a comment, spare time to go there, find out its situation, location. How advantageous it is, how well it has been done, and for the first time, in a methodical manner, in our cultural fashion, bringing our civilization to the fore, this has been done. Criticism, for the sake of criticism, can never be constructive. Let us keep away from it. You are a very senior man, sir, please. You are sitting on your seat and still speaking, Shakti Singh. Perhaps you need some kind of learning from your senior leaders. Maybe, sir. Don't disturb the LOP when
Again, may I request the LOP to control his people first? Sir, they are under your control. Under my control? I'll do it. Outside, they are in my control. I am glad they are under my control. I'll ensure it. I am grateful. And this is the first time it's been very good that you are addressing me. I think others will also follow. साहब मेरा पैर दर्द दे रहा है. प्रधानमंत्री जी ने सर वो इस जगह पे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने रखना ये एक 1963-64 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. अब उस वक्त हमारे जो पंजाब के स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह जी, हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2,000-3,000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया. आप तब भी घेराव करते थे? नहीं नहीं सुने, तब हमको 8-8 दिन की सजा हो गई. अभी वहां उस वक्त इनो नहीं थे, उस वक्त तो 8-8 दिन की सजा हो गई और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी. सर ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए. और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं, एक दरवाजे से आते हैं दूसरे दरवाजे से उधर चले. अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए. ये साहब मैं आपसे अपील करता हूं. अरे बैठो भाई, चुप बैठो, ए चुप बैठो. क्या भाई ये दही दूध वो एलओपी इज ऑन हिज नेक्स्ट, कीप काम. सर तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना, ये मैं आपसे अपील करूँ, बार बार अपील करूँगा. और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और अपमान मत करो. अगर वो अपमान करेंगे तो 50 करोड़ SC ST दलित वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा. तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पार्लियामेंट के अफेयर्स मिनिस्टर वो आप वहां पर रखिए. और सर मैं छोटा सा सर नहीं ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं उसके लिए एक कमेटी होती है और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं. और किस जगह पे बिठाना कैसे बगैर वो मीटिंग करने के बाद होता है. ये मीटिंग नहीं कुछ नहीं, ये अथॉरिटी एंड रूल के जैसा, कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ. सर ऑनरेबल मिनिस्टर के जी, वन सेकंड, इट हैपन, यू डोंट हैव टू डिसाइड, आई डिसाइड. ये खड़गे जी, व्हाट इज इट, कम ऑन, कम ऑन, मेक योर पॉइंट. ऑनरेबल चेयरमैन सर, नथिंग एज यू विल गो टू कोर्ट. ये किरण जी, कंटिन्यू सर. जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं उसका रेस्पॉन्ड करने का एक प्रथा होता है, इसलिए इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मत कहिए. ये दिस इज अ कल्चर ऑफ द हाउस, व्हेन लीडर ऑफ अपोजिशन रेजेस इम्पोर्टेंट मैटर गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड.
इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? यू आर फोर्सिंग मी टू नेम यू पीपल, आई हैव गिवन हिम परमिशन एंड लेट मी टेल यू वन सेकंड, टेक योर सीट सर। किरण जी, टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, व्हेन देयर इज अ डिबेट इन द हाउस, द डिबेट हैज टू बी लाइवली, द डिबेट हैज टू बी इन्वॉल्वड। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज मेकिंग रिमार्केबली अ गुड स्पीच। If there is an intervention required, one sec, you don't have to decide. I am the judge of it. Come on, Kiran ji. Kiran Riju ji. Honorable Chairman, sir. Abhi, Mananiya Kharge ji, leader of opposition ne sansad mein nothing has been on record. Statues ko, sara statues ko ek jagah mein rakh karke, prerna asthal ke naam se jo banaya gaya, usko lekar ke sawal khada kiya. मैं सिर्फ क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं। सर, आपने अभी अभी हाउस को बताया कि आप चीफ गेस्ट के तौर पर आप वहां आए और आपने उद्घाटन किया, उसमें ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो करते हैं, उनके अध्यक्षता में काम हुआ, मैं भी सर उस समय मौजूद था। नहीं, सबसे पहले तो खड़गे, एक मिनट या सर, तो खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया। वो सर पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं। वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही अप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा, हमारे जो जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुँचाया, किसी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर, देखिए वन सर, प्लीज योर एंटायर ट्राइब गेट्स अप, आई वांट एवरीवन टू टेक सीट। देखिए और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें एक सेकंड, देर इज नो बैकडोर एंट्री इन पार्लियामेंट। इफ यू लुक एट द बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज बीन सो डिजाइंड दैट देर इज नो बैकडोर एंट्री। ठीक है, देखिए देखिए रिजू साहब जो बोले, हाँ, मैं उनसे विनती करता हूँ कि रिजू जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप लेट अस हियर, जो स्टैच्यू बिठाए हैं, कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं, और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ कहीं और उनको भी बिठाते हैं? नहीं, और बाबा साहब अम्बेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठा था। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि उनको एक कमिटी के बारे में मालूम नहीं है। आप पढ़ के देख कर कौन से मेंबर्स हैं, उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको बिठाइए। सर, ये तो मैं आपसे बार बार विनंती करूंगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस नॉट स्लोगन्स। पिछले 10 सालों से विपक्ष आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए।
और क्या है, उन्होंने कैसे स्लोगन दिए, अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार। और ये स्लोगन दिए 400 पार, भाई तुम तो डूब गए अब तो उसमें, चलो तो ये स्लोगन है। और स्लोगन देने में मोदी जी माहिर है, सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को मीठी मीठी बातें करके भ्रमित करना, ये काम वो कर रहे हैं। इससे नहीं नहीं बोलना पड़ेगा। तो अब ये इतना बोलने वाले व्यक्ति, गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर एक साल से जल रहा है, किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे, एक दिन तो जाकर आप आए मणिपुर को जाके आए आप, तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया, आप क्यों नहीं पहुंचे? और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया, गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है, ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए, किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गया। और एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम नाम, कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका, और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का, अब तो 200 पार में है, अभी बड़े मुश्किल से आए। तो अरे बैठो, मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि बीजेपी सरकार जनता को जरूरी मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करता है। हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी जी भैंस खोलने की बात करते हैं, हम बीजेपी द्वारा देश को बांटे जाने की सोच पर बात करते हैं तो मोदी जी औरंगजेब और मुगल की याद करते हैं, हम बेरोजगारी पेपर लीक की बात रखते हैं तो मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरा की याद करते हैं, हम महंगाई पर बात करते हैं तो बीजेपी विदेशों में महंगाई की बात करने लगती है देश का छोड़ के, विपक्ष जनता की बात करता है तो मोदी जी अपने मन की बात सुनाने पर लगते हैं, और वो ये बात करते करते यहाँ तक पहुँचे, अपना काम करना ही वो भूल गए, सिर्फ अपनी मन की बात बोलने में ही वो लग गए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आज के मुद्दों का जवाब दो, इतिहास में जो हुआ उस पर जनता फैसला लेने में सक्षम है,
उन पर छोड़ दीजिए। आपके बात बार बार मत करो, घमंडी बात मत करो और लोगों को उचकाने की बात मत करो। अगर करेंगे फिर ऐसा ही आपकी हालत होते जाएगी, बिगड़ते जाएगी। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्यारा 26 में कहा है, क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिश से रच रही है। इनके द्वारा अफवाहें फैलाने का, जनता को भ्रम डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन सहारा लिया जा रहा है। तब उनका कहना बिल्कुल सही है, अपने राजनीतिक जीवन में कहीं चुनाव लड़े, लेकिन पहली बार देखा कि इस चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बयान दिए, पूरे देश की गरिमा को भारी चोट उनके वजह से पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र कमजोर करने, समाज को बांटने, मिस इन्फॉर्मेशन की लाख कोशिश की, पर इसमें वो असफल रहे। बात बात में असत्य बोलना, तोड़ मरोड़ कर बातें रखना, धर्म राजनीति राज और भाषा को नाम पर लोगों को बांटना, ये काम प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली बार हुआ है। कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात पहले किया नहीं। पूरे विश्व में हमारी साख पर इसका बुरा असर हुआ। मोदी जी तो आप लोग उनको विश्व गुरु बनाया, अच्छा नहीं विश्व गुरु नहीं बोलता मैं, जो बोले वो लोग बोल दो, विश्व गुरु की बातें करते थे, लेकिन उनकी सच्चाई दुनिया के बड़े अखबारों की इन चंद हेडलाइन से पता चलता है, वो क्या विश्व गुरु थे, क्या क्या थे वो? अच्छा सर, मैं आप जैसा व्यक्तित्व है इस प्रकार, छोड़िए सर छोड़िए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, फ्रांस, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रिग्रेटेड, फ्रांस, आई एम रियली हैप्पी। 24 को अगली स्पीच बट नॉट ए सरप्राइज, ये फ्रांस के अखबारों ने उनको कहा। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, मोदी एक्यूज्ड ऑफ द हेट स्पीच टुवर्ड इंडियाज मुस्लिम्स इन इलेक्शन रैली। थर्ड, CNN ने कहा, मोदी जीज मुस्लिम रिमार्क्स स्पार्क हेट स्पीच एक्यूजेशन एज इंडियाज मैमोंथ इलेक्शन डीपन्स डिवाइड। अल अजीर ने ये कहा, इन्फिल्ट्रेटर्स मोदी एक्यूज्ड ऑफ एंटी मुस्लिम हेट स्पीच एंड इंडिया इलेक्शन। देन गार्डियन ने कहा, नरेंद्र मोदी एक्यूज्ड ऑफ सटायरिंग टेंशंस एज वोटिंग इन इंडिया कंटिन्यूज। हाल में कुछ अखबारों में तो यहां तक आया कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर प्रार्थना स्थलों को ध्वंस करने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। यानी ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे, दुनिया के लोग विश्वगुरु को बोल रहे, अरे तेरे को तो हमने विश्वगुरु माना, लेकिन ये क्या है? तो इसलिए सर, आप बड़ा चढ़ा के किसी व्यक्ति को अगर करेंगे तो उसका असर इतना बुरा होता, देश पे भी उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो ये बातें रखी चुनाव में, ये बहुत ही नफरत की बातें थी, और उसी लिए तो मैं आपके सामने ये उदाहरण रख रहा हूँ। चुनाव में जो कुछ कहा गया उसे लोगों ने ये समझा कि 10 साल से सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्माद फैलाने वाली बातें कही जा रही है और वो कह रहे हैं। सभापति जी, कुर्सी कायम रहती है, कुर्सी कायम रहती है, सत्ता आती है और जाती है, पर सत्ता के लालच में देश को बांटने, जनता को गुमराह करने और बात बात पर झूठ बोलने की बात नहीं होनी चाहिए,
और ये मोदी साहब कर रहे हैं। सर, मेरे पास चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जितने भाषण किए हैं, कैसे कैसे ये है, मैं उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास 200 तक उनके स्पीचेस, कहाँ कैसा बोले क्या बोले है, पर आपका वक्त मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।